मन यदि परेशान है, मन यदि अशांत है, मन यदि टेंशन में है, पहली बात तो बड़ी सहजता की बात है जीवन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन स्थितियों में उलझे रह जाते हैं और उलझे उलझे जीवन निकल जाता है। माला भी बहुत फेर लेते हैं, जाप भी बहुत कर लेते हैं, पाठ भी कर, बुरा नहीं, करते रहना चाहिए। कल ही ये परसों कहीं किन्हीं पत्रकारों ने पूछा कि सत्संग के आयोजन भी हो रहे हैं, भजन पाठ भी हो रहे हैं, भजन संध्याएं भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये अशांति का वातावरण बनता बढ़ता जा रहा है, ये तनाव दबाव भी बढ़ रहे हैं, तो कैसे समझें कि ये सत्संग का कुछ लाभ हो रहा है या ऐसे वातावरण का कुछ लाभ हो रहा है। कि प्रयास रहता है सदा और भगवान कृपा बनाए रखें कि ये सोच सुरक्षित रहे, प्रयास रहता है कि हर समय हर रूप में सोच को सकारात्मक रखा जाए, सोच पॉजिटिव रहे। और एक बात ध्यान में रखना, बड़ी व्यावहारिक बात है कि यदि सोच पॉजिटिव है, थिंकिंग पॉजिटिव है, सोच सकारात्मक है, तो नकारात्मक परिस्थितियां, विपरीत स्थितियों में से भी मन शांति का कोई ना कोई मार्ग ढूंढ लेगा, कोई ना कोई साधन अपने लिए खोज लेगा, पा लेगा सकारात्मक सोच से। और अगर सोच नकारात्मक है, थिंकिंग नेगेटिव बनी रहती है हर समय, ढेरों अनुकूलताएं क्यों ना हो, भगवान कृपा करें बनी रहे, ढेरों अनुकूलताएं क्यों ना हो, लेकिन शांति में रह पाएगा मन, संभव नहीं। यदि हर बात को नकारात्मक लेने की मेरी सोच है तो शांति मेरे लिए सुरक्षित नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखना। और इसीलिए प्रयास करना कि जीवन में सोच पॉजिटिव रहे।